हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना। स्वागत है आपका अभी इस फूड मैजिक में। तो आज की रेसिपी है हमारी तंदूरी कुल्हड़ कॉफ़ी। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है इसकी, बहुत ही प्यार से बनाई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसकी रेसिपी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको एक मग लेना है, इसमें आप डालिए 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, रेगुलर कॉफ़ी पाउडर डालिए। जितना कॉफ़ी पाउडर है सेम उसी क्वांटिटी में शक्कर भी डाल दीजिए। और आपको डालना है हॉट वाटर, इतना 1 स्पून डालिए। मिक्स करिए इसे, अच्छे से फेंटना है आपको। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पानी इसमें डालना है, एकदम से आप नहीं डालेंगे। 1 चम्मच डाला है हमने और इसे मिक्स किया है। ये देखिए, अब मैं वापस 1 चम्मच डाल रही हूँ, देखिए इतना सा। अभी इसे लगातार आपको फेंटते रहना है कंटिन्यू। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी मिक्स करेंगे लाइक इतना सा, और इसे फेंटते रहेंगे। जब तक ये एकदम फ्लफ़ी नहीं हो जाता आप इसे मिक्स करते रहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी होना शुरू हुआ है, ये देखिए इस तरह से। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, ये देखिए एकदम फ्लफ़ी हो गया है हमारा। तो इस स्टेज पे ये हमारा बन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी कि सिनेमन है, इसका मेरा पाउडर है, मैं वो डाल रही हूँ। एकदम थोड़ा सा डालेंगे, नहीं तो आपका सिनेमन का टेस्ट ज़्यादा आएगा, कॉफ़ी का नहीं। एकदम थोड़ा सा डालना है आपको। और ये है हॉट चॉकलेट, इसे भी 1/2 स्पून डालना है आपको, ये देखिए। मिक्स करेंगे इसे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से खुशबू आने लग जाती है, सिनेमन है इसमें। तो चलिए ये हमारा रेडी है, देखिए इसका फ्लफीनेस। इसे रखते हैं साइड में। चलिए अब दूध को हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। इसे एक बार के लिए आपको उबाल लेना है। और ये है हमारी कुल्हड़, इसे हम गैस पे रखेंगे। ये मैं 2 कुल्हड़ ले रही हूँ दोनों साइड में। एक बार पहले कूलर रख लीजिए, उसके बाद इसे फ्लेम को चालू करिए। अब इसे आपको एकदम हॉट करना है, रेड होने तक आपको इसको हॉट रखना है। और इसे इस तरह से टर्न करते जाइए ताकि ये सब तरफ से अच्छे से गर्म हो जाए। बस इसे फ्लिप करते जाइए, ये देखिए धीरे धीरे आपको ये लाल होते हुए दिखेगा। सेम ऐसा ही लाल आपको पूरे में चाहिए। चलिए अब दूध का भी देख लेते हैं हम। ये हमारा बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी 2 स्पून हमारा कॉफ़ी जो हमने बना दिया है, ये देखिए डाल दीजिए इसमें। बचा हुआ रख लीजिए थोड़ा सा, हमें डेकोरेशन के टाइम चाहिएगा। मिक्स करेंगे इसे, अभी इसका आपको बॉईल लेना है एक, ये देखिए। चलिए ये रेडी है हमारा, देख लेते हैं कुल्हड़ भी। ये देखिए इस तरह से आप रेड हो गया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे उठाती हूँ मैं और एक बड़ा सा बोल लीजिए और इसमें रख लेंगे हम सेंटर में। और ये हमारा कॉफ़ी एकदम धीरे धीरे आपको डालना है, केयरफुली, क्योंकि एकदम से उछलेगा, क्योंकि हमारा कूलर बहुत गर्म है इस स्टेज पे। ये दूसरा भी मैं रख दूँगी इसके ऊपर। धीरे धीरे आपको इसको कॉफ़ी पोर करना है। ये देखिए
दोनों कुलर को एक बार आप पूरा अच्छे से डुबो दीजिए इसे। चलिए ये हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इसका जितना टेस्ट आपको कॉफ़ी में चाहिए था वो आ जाता है। ये देखिए तंदूर का टेस्ट आ चुका है हमारी कॉफ़ी में। इसे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए अब ट्रे रेडी करते हैं हमारी। ये देखिए कूलर कॉफ़ी है तो कूलर में डालते हैं, इसे सर्व करते हैं। इस तरह से डाल दीजिए। और जो हमारा कॉफ़ी है जो हमने बचा के रखा था, ये आप डाल दीजिए इसमें। देखिए इस तरह से, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से आपको ऐसे लेयर बन जाए, ऐसे उतना ही आपको हिलाना है उसे, ताकि हम जो उसके ऊपर पोर करेंगे कॉफ़ी वो अंदर डिप नहीं हो जाए। ये देखिए बस इतना ही, जैसे ऊपर से डेकोर रहे हमारा। और ये हमारी बची हुई कॉफ़ी थोड़ा सा और इसमें पोर कर देंगे ताकि वो फिल हो जाए पूरा। चलिए इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी हमारा कॉफ़ी पाउडर या फिर कोको पाउडर। तो ये हमारी कूलर कॉफ़ी रेडी है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको इसका मिट्टी का जो टेस्ट आता है बहुत ही स्वाद होता है। आप ज़रूर पिएगा और आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये मेरी प्लेटिंग करने का तरीका और डेकोरेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता रहे मेरी प्लेटिंग आप लोगों को पसंद आती भी है या नहीं, मेरी रेसिपी आपको पसंद करते हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा रिमाइंडर आता रहता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आप भी ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।